गाइस वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब्स। सो गाइस आज हम देखने वाले हैं लव रीडिंग जो होने वाली है नवंबर मंथ में, 1 to 10 of November। सो गाइस हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या है, कैसे चल रही है आपकी लव लाइफ, क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। ओके और गाइस ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो गाइस अपनी सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करें। ओके हो सकता है किसी से कुछ परसेंट ही रेजोनेट करे। सो गाइज अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गाइज बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके ओके गाइज तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट लिब्रा के लिए तुला राशि। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, द वर्ल्ड, द मैजिशियन, द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड। ओके सो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, और मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके हो सकता है कि आप उस थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। ओके और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, और जो आपके पर्सन है वो भी। सो जो थर्ड पार्टी है गाइस उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा हर्टफुल फील कर रहे हो, और आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। ओके और उनकी जो एनर्जी है थर्ड पार्टी की वो भी मुझे आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। ओके और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाए, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और इस वक्त वो आपकी तरफ ना होकर थर्ड पार्टी की साइड हैं, बट जो आपकी एनर्जी है गाइज वो बहुत ज़्यादा लो है इस वजह से, बिकॉज आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ नहीं हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। ओके और जिस वजह से आपका ब्रेकडाउन हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी ये भी सिचुएशन है कि हो सकता है आप इस रिलेशन को छोड़ सकते हो, या फिर ब्रेकअप की सिचुएशन आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। ओके बट मुझे साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी जो कंडीशन है इस वक्त, जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा हर्टफुल है। ओके बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है गाइस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके पर्सन के लिए। ओके और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपके पर्सन आपकी तरफ आ सके, या फिर ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक न्यू प्रपोज़ल आ रहा है। ओके बट ये हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से हो, या फिर कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस कि ये एक न्यू एनर्जी है, जो भी प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है वो एक न्यू एनर्जी है, न्यू प्रपोज़ल हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त आपके साइड नहीं है, आपकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आपके लिए लॉयल फील नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। ओके वो थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वक्त, और वो उनकी साइड ज़्यादा हो गए हैं इस तरह से कह सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी तरफ एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट जो आपकी फीलिंग्स है वो गाइज वो अभी भी आपके पर्सन की तरफ ही हैं। ओके एंड ये जो थर्ड पार्टी है गाइज वो मुझे अभी तो आपकी लाइफ से जाते हुए नहीं दिख रही है, आपके रिलेशनशिप में अभी वो बहुत टाइम तक रह सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ओके तो हम और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। बिल्कुल गाइस, जो थर्ड पार्टी है उनकी जो एनर्जी है गाइस, वो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, और हो सकता है कि आप के पर्सन पूरी तरह से उनकी तरफ चले जाए। ओके, बिकॉज जो उनकी एनर्जी है, हो सकता है वो किसी तरह की ट्रिक अपना रही हो, किसी तरह का मैजिक भी कह सकते हैं, बट जो उनकी एनर्जी है गाइज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, और इस वक्त जो उनकी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ थोड़ी सी कम है, और अपनी जो थर्ड पार्टी गाइज उनकी तरफ बहुत ज़्यादा है, और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हैं, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा वो एक्टिव भी हैं, और आपकी तरफ मुझे नहीं दिख रहा है कि वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। ओके, और आपके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज़ ये जो थर्ड पार्टी है हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत टाइम तक रहे। ओके, बट यहाँ पर मुझे एक साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरह की एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक न्यू प्रपोजल आ सकता है। ओके, तो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है। कॉन्फिडेंस इन योर सक्सेस की। ओके, योर ड्रीम नीड टू प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आप अपना कॉन्फिडेंस लो मत कीजिए। ओके, जो आपका कॉन्फिडेंट है वही आपकी सक्सेस की की है। ओके, जो भी आप बहुत ज़्यादा इस वक्त डल फील कर रहे हो, एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हो, सो गाइज इसे आपको इस एक्टिविटी को आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके, और आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तभी आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, बिकॉज ये जो थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके पर्सन के ऊपर। ओके, और यूनिवर्स का भी मैसेज है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ओके, एंड आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा अपनी ड्रीम्स पे, अपनी प्लानिंग्स पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी अपने पर्सन की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है गाइज, वो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ बहुत टाइम तक रह सके। ओके, सो अगर आपको इस रिलेशनशिप को और आगे तक लेकर जाना है, तो आपको इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने पर्सन को अपनी तरफ लाने के लिए। ओके, थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग कह सकते हैं वो आप कर सकते हो, बट यूनिवर्स का ऐसा मैसेज है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और अपने ड्रीम पर फेथ रखो। ओके, और जो भी आपकी प्लान्स है उसे प्रैक्टिकली प्लान करो। ओके, ओके गाइज, बाय।